मैं सब सच बोलूंगा इस जिद से पता नहीं कितनी सारी रिश्ते टूट गए हैं। नई नई शादी हुई और सारी बातें मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा, वो पत्नी बोलेगी मैं भी सारी बात बताऊं, तो वो बोलेगी नहीं मैं जब कॉलेज में थी एक लड़के का मेरे साथ बहुत प्रेम हो गया था, मैं भी उसको देखती रह गई बस। और ऐसे इसने बोला हाँ मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था एक लड़की के साथ मेरा कुछ बन गया, मन लग गया, तो उसके बिना कुछ चैन ही नहीं होता था, मैं बहुत परेशान रहा। इतना बोल दिया ना बस हो गया, दोनों के मन में शक इस सच बोलने से हुआ इनका। खाया नहीं पिया नहीं, ग्लास थोड़ा भराना। ऐसी हालत में पता नहीं है कितनी सारी शादियों में कितनी सारी अच्छे प्रेम संबंध में दरार पड़ गया। क्यों हम सच सच सब कुछ शेयर करना चाहते, सब सच सच बोलना चाहते। अरे तुम बोलते समझने वाला ऐसे समझते है क्या, बेवकूफ़ी है तुम्हारा। जो सच है उसको व्यक्त नहीं कर सकते हो तुम जो हो उसको तुम कैसे अभिव्यक्त करोगे पूर्ण रूप से, नहीं कर सकते। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, जो शब्द में आ जाता है वो सच्चाई सच नहीं रह जाता, विकृत हो गया। इसलिए कहते हैं सभी चीजें व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या मन शुद्ध रहे, अपना भाव शुद्ध रहे, मन साफ रहे और प्रामाणिकता रहे जीवन में, बाकी सब सहजता ही प्राप्त हो। इसलिए युक्ति आवश्यक है जीवन में। मैं अक्सर कहता हूँ भक्ति मुक्ति युक्ति और शक्ति, ये चारों आवश्यक। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।